सो हे गाइस, फाइनली वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम फोटोग्राफी आइडियाज के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था एलईडी के साथ, मतलब एलईडी के जो स्ट्रिप्स थे उनके साथ मैंने लाइट पेंटिंग का कुछ इस तरह का बताया था। तो काफी सारे लोगों के पास एलईडी अवेलेबल नहीं होती है और एलईडी काफी ज्यादा महंगी आती है, 300-400-500 रुपए तक आती है। पर आपको मैं ऐसे बढ़िया से एक जुगाड़ बताऊंगा और आप इसे बिल्कुल एक दो मिनट के अंदर कुछ इस टाइप का जुगाड़ करके आप यहाँ पे बढ़िया सी कुछ इस टाइप की फोटोग्राफी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी मोबाइल फोन रहेगा उसमें आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, आपको जो भी एक पिक्सार्ट ऐप होता है ऐप को आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा बैकग्राउंड। मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूंगा जो भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड चूज करोगे वो आप यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आप यहाँ पे चूज करना, क्योंकि उसमें जो भी यहाँ पे मैं डिजाइन बताने वाला हूँ, जो भी आप मैं यहाँ पे जुगाड़ बताने वाला हूँ वो ब्लैक बैकग्राउंड पर काफी ज्यादा यहाँ पे शूट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ड्रॉ टूल में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ड्रॉ टूल मिल जाएगा। तो ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पेंसिल वाला ऑप्शन मिलेगा। तो पेंसिल वाले ऑप्शन में जाके आप अपने पसंदीदा कलर, कौन सा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो कुछ इस टाइप का आप यहाँ पे कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो कलर चूज करने के बाद आप अपने पसंद से कुछ इस टाइप का आप यहाँ पे डिजाइन निकाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ इस टाइप का यहाँ पे डिजाइन निकाल लेता हूँ। तो आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ इस टाइप के आप डिजाइन निकाल सकते हो। तो डिजाइन आपके अपने हिसाब से निकालने के बाद रैंडमली कौन सा भी कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे डिजाइन निकालना है। ट्रिक करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे दो फोन की जरूरत पड़ेगी। एक फोन से आपको फोटोग्राफी करेगी वो कैप्चर करनी पड़ेगी और दूसरा फोन रहेगा वो आपके जो भी बैकग्राउंड रहेगा उसमें आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। जो भी यहाँ पे पहला वाला फोन रहता है आपको यहाँ पे जिससे आप यहाँ पे कैप्चर करने वाले हो उसे आप कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे फ्रंट में रखना पड़ेगा। तो फ्रंट में रखने के बाद आपको सेंटर में कुछ इस टाइप ऑब्जेक्ट को, तो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप कुछ बेहतरीन बेहतरीन ऑब्जेक्ट आप ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे फोन रखना पड़ेगा जिसमें पिक्सार्ट का डिजाइन आपका है, वो फोन आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे प्लेस करते हुए ड्रैग या फिर स्लाइड करना पड़ेगा। तो जो फोन नंबर वन है जिससे आप फोटोग्राफी यहाँ पे कैप्चर करने वाले हो उसमें आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स करनी पड़ेगी। जो भी उसका ISO रहता है वो आपको यहाँ पे 100 रखना पड़ेगा। अगर आपका ISO यहाँ पे 100 से कम जाता है, मतलब डार्क जाता है, तो आप यहाँ पे 100 से कम रख सकते हो। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे शटर स्पीड रहता है वो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ता है। शटर स्पीड आप यहाँ पे 10 सेकंड से लेके 16 सेकंड तक आप यहाँ पे रख सकते हो। जितना ज्यादा शटर स्पीड रहेगा उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे क्रिएटिविटी बाहर आएगी। सो वेल मेक श्योर करना कि आप जब भी इस टाइप की फोटोग्राफी करो तो रूम रहेगा वो काफी ज्यादा डार्क होना चाहिए। बिल्कुल डार्क रूम में ही इस टाइप की फोटोग्राफी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं प्रेफर करूंगा इस टाइप की फोटोग्राफी आप नाइट में ही करो, क्योंकि लाइट में सनलाइट नहीं रहता है और काफी ज्यादा यहाँ पे डार्कनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको ये वाले वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने ये फोटोग्राफी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।